मेरठ से बड़ी खबर है, माफिया बदन सिंह बदो पर बढ़ी है इनामी राशि, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। आपको ये बताएं कि 4 सालों से फरार है ये, और माफिया बदन सिंह 4 साल से फरार है। 28 मार्च 2019 को मेरठ पुलिस कर्मियों को नशीला पदार्थ देकर फरार हो गया था और तब से तलाश की जा रही है। 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दी गई है माफिया बदन सिंह बदो की ये इनामी राशि। ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, 4 सालों से फरार है ये माफिया, और अब ये इनामी जो राशि है वो 2.5 से 5 लाख बढ़ा दी गई है। ये बताएं कि 28 मार्च 2019 को मेरठ पुलिसकर्मियों को नशीला पदार्थ देकर फरार हुआ था। विशाल रघुवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, 4 साल से फरार है ये माफिया और अब इनामी राशि बढ़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल, बदन सिंह बंदो 4 साल से लगातार फरार है और आज इस पूरे मामले को लेकर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए उसके जो इनामी राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। यूपी डीजीपी मुख्यालय से ये प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अब फिलहाल जो है शासन ने अनुमति देते हुए इसका शासनादेश जारी कर दिया। और 4 साल से बदन सिंह बंदो लगातार फरार है और मेरठ चुके उनको लेकर फिलहाल अब उसके ऊपर जो धनराशि है वो 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है और इसका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।